Fletch. So what is up YouTube family, welcome back to my channel Dreamscape. So मैं जानता हूँ बहुत दिनों से वीडियो Fletch नहीं आ रही थी, कुछ फैमिली इशू के कारण, और यहाँ हमारा ओमोपी भाई का माइक ग्लिच हो चुका है. सो यहाँ हम खेल रहे थे लिविक और मैंने पता नहीं गलती से रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया और एक तो इसमें वॉइस ग्लिच हो गई थी. सो हम गए थे मिड स्ट्रीम पे, तो AKM20 भैया ने हमें कुदा दिया छत पे, गए नीचे, ऊपर तो गन को मिल गई और ने खिला दिया एक निहत्ता बंदा. हमने यहाँ लूटा, सामने UMP थी वो भी उठा ली मैंने जल्दी से और हेलमेट ले लिया. फिर अब जल्दी से मेरे को एक फुटस्टेप्स आते हैं, तो मेरे को लगता है उस बंदे के पास शायद से गन नहीं होगी, मैं जाता हूँ. और मैं देखता हूँ पता नहीं आपके क्या ही कर रहा था सस्ता. और मुझे भैया ने मार दिया है इसको, और यहाँ पे हमारे यहाँ AKM20 भैया करने वाले हैं बहुत सारे. उनने कर दिया दो बटन लॉक और वो कहते जिनके लोग आने वाला सही है. हाँ. सो मैं यहाँ पहले लूटता हूँ और फिर उसको मैं थोड़ा काट दूंगा और नीचे वाले शॉप पे हम 7 है. सो यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं हमारी भगवान गन M762 जिसको हम कहते हैं. सो यहाँ मैंने M762 ले लिया और फिर मेरे को कहीं से फायर आता है, हमें कहीं से फायर आता है बॉट फायर. सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा टीवी भी लेता हूँ, मेरे को आ जाते हैं फुटस्टेप्स. सो मैं यहाँ पे थोड़ी देर टीवी भी लेता हूँ, फिर मैं अंदर जाना सोचता हूँ, मैं अटक जाता हूँ और तभी वो बंदा फायर कर देता है, पर मैं कैसे तैसे करके बच जाता हूँ. सो एक बंदा वैसे ही मेरे पे रश कर देता है, तो मैं पहले जल्दी से हीलिंग कर लेता हूँ, तब तक वो आता है. कहाँ पर है हमारे AKM20 भैया पूछ रहे कहाँ पर है. ये आया, मैंने नॉक किया और अब ये पता नहीं हुआ क्या, टेलीपोर्ट कैसे हो गया और मैं पता नहीं कि यहाँ पे गोली चलाने को लगा. वो बंदा और हमारे AKM20 भैया की हो चुकी थी खोपड़ी वाई, उनको पड़ गई थी कहीं और से. सो एक प्रकार से हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सैंडविच टाइप का हो गया था, क्योंकि पता नहीं राइट लेफ्ट से सॉरी कोई अलग बंदा आ गया, सामने अलग बंदे थे लेफ्ट से, और मेरे पे कोई मिड रेंज या फिर लॉन्ग रेंज की कोई भी गन नहीं. ऊपर वाले बंदे ने स्मोक कर दिया उसको बचाने के लिए, मैंने सोचा मैं पीछे से फ्लैंक मार के जाऊंगा एक बंदा और ये वाले बंदे को भी मार दूंगा जो हमारे AKM20 बीच वाली बिल्डिंग, और फिर मैं उसको भी मार दूंगा पूरा पीछे से फ्लैंक. मैं जैसे यहाँ पे TPP लेने आता हूँ और अब देखिए क्या एक ग्रेनेड आया था कहाँ से, मेरे को आप बताइए कहाँ से पड़ी मेरे को, मेरे को यहाँ पड़ी. तो फिर मैं चिल्ला के जल्दी से बोलता हूँ मोबी को कि जल्दी आ जा भाई बचा ले, वो आते हैं और ये भी ढिल जाते हैं. जैसे ये ढिलता है मेरे को लगा अब बन गए कहाँ तुम लोग, और वो बंदा ऑलमोस्ट मेरी पेटी बनाने की कोशिश करता है, पर ये मेरा फर्स्ट नॉक था तो मेरे को वहाँ पर ऑम ओपी की लोग. अरे पर सो यहाँ मैं रेव हो जाता हूँ और वो बंदा कर देता है पुश. कटली एक्सेस तो बंदे में दिमाग अच्छा था पर उसने पुश बहुत गलत जगह कर दिया, आप देखेगा अभी ये मैं जैसे ही रेव होऊंगा मैं जैसे उठा कैसे कर. देखिए वो बंदा आया उसको डायरेक्ट इस तरफ आना चाहिए जिस तरफ से मैं आया, और वो घुसा अंदर और मैंने देख लिया उसको, मैं जाने लगा घुस गया. और फिर मैंने जैसे इसको डैमेज दिया तब तक हमारे AKM20 भैया ने कर दी स्क्वाड आई. तो हमारे AKM20 भैया के लिए #OP इन द चैट बॉयज प्लीज कर देना, हमारे AKM20 भैया. और AKM20 भैया का एक और चैनल है मैस्टोडॉन गेमर, उसकी लिंक होगी आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर जाके उसको चेकआउट कर लेना. सो यहाँ मैं पहले लूटता हूँ फिर आपको मिलूंगा. सो यहाँ लूटने के बाद हम लोग में जैसे ही थोड़ा आगे आता तो मेरे को फायरिंग की आवाज आती है. हमारे फेवरेट AKM20 भैया जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं वो बात करने लगते हैं केस्टो की, मेरे को सामने बंदा दिख जाता है. कितने किल? सो मैं सामना है बस स्प्रे मारता हूं, चलाया नहीं जाता, 3x से चल जाता है. तो 4x से मैं सस्ता स्प्रे मारता हूं, आई डोंट नो ये बॉट था कि असली बंदा था. सो मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लूटूंगा पहले इसको थोड़ा, और फिर जैसे ही मैं इसको लूटूंगा सामने से बंदे आ चुके हैं, पर गेम खेलते हैं मेरा इतना ध्यान नहीं था, जब एडिटिंग का टाइम आता है तब क्या कोई कॉम्पेंसेटर है. सो यहाँ अभी मैं थोड़ा लूटूंगा और फिर आप देखिए अभी गलत सीन हो जाएगी हमारा. ये एमो उठाई थोड़ा खुले में रहे, मैं सोच रहा था आगे वाले घर पे चले जाते हैं से गाड़ी लेके आना चाहिए हमारे AKM20 भैया को. कितने लेते हैं? ओ इस घर को आना चाहिए, दो दो फुटस्टेप्स और मेरे को लगता है नहीं अब बन गया हमारा गेम प्ले. ग्रेनेड फेंक रहा हूं, AKM20 भैया ग्रेनेड करते हैं और जैसे ही मैं ऊपर दिखता हूं मेरे को बंदा दिखता है, मैं डैमेज करता हूं, डैमेज करने की कोशिश करता हूं पर पोल पे लग जाती सारी गोलियां. फिर मेरे को लगता है उसने एक और ग्रेनेड किया, मैं रुक जाता थोड़ी देर के लिए, नहीं आते तो फिर मैं ऊपर पहुंच जाता हूं इस बंदे के पहले पेटी बनाई पकड़ के और फिर रीलोड मारा, और फिर तब तक AKM20 भैया नॉक हो जाते हैं और ये बंदा फुल पेटी बना रहा है. तब तक मैं
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैं बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आपको क्या पता मेरी वॉइस के अंदर भी चेंज आ रहा होगा और मैं बीच बीच में कहीं पर अटक भी रहा हूँ। तो आज के लिए प्लीज तो मैनेज कर लीजिए, आगे से जो कोई भी आएगा आपको उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं अटक रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे हम जैसे ही लूटते तो मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मेरे को एक रेड डॉट नहीं मिलता इस मैच में। इस मैच में आप देखिए स्टार्टिंग से मैंने इतने बंदों को लूटा और मेरे को अभी तक एक भी रेड डॉट नहीं मिला है। और 2x मिल गया, 3x मिल गया, 4x मिल गया, हमारे एक एम बीस भैया को 6x भी मिल चुका है, देख के बता रहे हैं वो हमें। सो मैं सोचता हूँ हो गई है हमारी जिंदगी खराब, कुछ नहीं बचा है हमारी जिंदगी। तो मैं सोचता हूँ क्या पता इस पेटी के अंदर हो, तो इस पेटी के अंदर भी सिर्फ 3x रहता है मेरे पास। सो मैं जल्दी से यहाँ पे चेक करता हूँ, 3x ही मिलता है मेरे को, फिर मैं आपको आगे मिलूंगा। तो यहाँ कर दिया गया है हमारे एक एम बीस भैया को। अरे अरे हमारे एक एम पता नहीं कहाँ से फुटस्टेप आया, मैं बोरे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को बंदा दिख जाता है हमारे ऊपर रश करते हुए। पता नहीं, मैं तो यहाँ बाहर बालकनी में खड़ा था। आप डील करो, मैं तब तक इसको संभाल लूंगा क्योंकि अपने पास है रिकॉर्ड गन M762। ये बंदे को कोई होश नहीं है, बिल्कुल खुला बिस्तर है, एक परसेंट का डैमेज। जल्दी से पेटी बना दिया, अब देखेंगे क्या है। वो ठेला क्यों नहीं बंदा, वो मरा क्यों नहीं, दूसरी साइड से पार्टी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब मेरे को इस समय ध्यान नहीं था कि मैं जाके वो खींच रहा हूं, फिर मेरे को साइड से दिख जाता है एक बंदा आते हुए। तो इसको भी मैं डैमेज देता हूं, इसका भी किल हमारे तेरा किल। ग्रेनेड कर देता हूं, क्या पता मेरे को किल मिल जाए। तो रिकॉर्ड कर रहा है। तो हमारे एक एम बीस भैया पूछते क्या तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे स्क्वाड ड्राइव पे रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ डालना है, ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हम लोग। तो फिर जैसे ही ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है तो वो कहते हैं अब तो मेरा स्क्वाड ड्राइव भी रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। सो मैंने इसका टाइटल ऑलरेडी सोच लिया, थंबनेल भी थंबनेल भी निकल ही जाएगा बहुत जल्द। सो यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं जैसे ही देखता हूँ एक बंदा। सो यहाँ मैंने पता नहीं, मैं मतलब मेरे को लगा था मैं स्मोक बनाया था, तो फिर मैंने अपना जिगल थोड़ा लॉन्ग कर लिया। अगर आपको इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि लॉन्ग जिगल क्या होता है और शॉर्ट जिगल मतलब फास्ट जिगल क्या होता है, ये सब चाहिए एक, तो मैं इस पूरी एक करना पड़ेगा। तो मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, अगर मेरे को किसी का भी कमेंट अच्छा लगता है तो मुझसे हार्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं और एक अमित भैया वापस लूटते हैं। मैंने अपने एक एम भैया से ले ली है गर्जा, और एक एम भैया को मिल जाता है एक पता नहीं कैसा बंदा जो बिल्कुल लेटा हुआ था। सुनिए आप, मैं घर में घुसा, मैं बंदे के सर पे बैठ गया और ये मैंने ये क्या नीचे कह रहे कि यहाँ पे ये बंदा लेटा हुआ था और वो पता नहीं कैसे कैंपिंग कर रहा था, या तो वो एएफके था या तो पता नहीं क्या करने गया था, क्या कोई पता नहीं है क्या ये। तो यहाँ मैं जरा टेस्ट करा रहा, 3x ऐसा चलता है, मेरे को यहाँ दिख जाते हैं बंदे आते हुए जोन से। सो मैं सोचता हूँ पहले लेट के मारूं, पर लेट क्योंकि स्प्रे अच्छा जाता है मेरा। सो फिर मैंने क्राउच कर लिया और फिर देख रहा हूँ कौन है, कोई दिखता है क्या। मेरे को कोई दिखता तो नहीं है, पर थोड़ी देर बाद में वापस मतलब चेक करता हूँ। तो अभी यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ और तो नहीं कहीं अपने आसपास में। फिर अभी मैं अभी स्कोप खोलूंगा और एक बंदा जोन से नॉक हो जाता है, अभी मैं देखता हूँ और वो दिख जाता है मेरे को जोन से नॉक हुआ बंदा। तो इससे पहले जोन उसकी बेटी बना दे, मैं सोचता हूँ अच्छा मौका है किल चुराओ। तो मैं इसका किल चुरा लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जोन के ऊपर है आ जा जल्दी से पुश करते हैं, दो बजे बाकी किल कुल चाहिए। ये तो घर में लेटा हुआ था, मैं इसके ऊपर आ गया फिर भी इसने गोली चलाई। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, you gotta take it slow. You can't be a pro, no one's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in like millions, they block in your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. Maybe you can fake it.
touch. Never gonna last banda waqai mein dikh jata hai last meri molly ka haan just gonna take it back we can take it all back don't tell me you believe that are you just gonna take that aur main dil ko will you fucking fight back aise hai main Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do